नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजना कामो और मेरे दोनों दोस्त आज मेरे साथ हैं, मिस्टर ऑटर और मिस्टर कोआला। हम तीनों अभी थोड़ी देर पहले भोजन कर रहे थे और हमने देखा कि जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मिस्टर ऑटर हमें थोड़े से परेशान से लगे, दुखी लगे। तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या बात है, तो बोले कि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। मैंने बहुत ही प्यार से, मेहनत से घर में सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही मैंने खाना मेज पर रखा तो सबने खाने से मना कर दिया, क्योंकि किसी को पास्ता चाहिए था और किसी को पिज्ज़ा चाहिए था। मेरा खाना तो धरा का धरा ही रह गया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। दोस्तों, जब अपने परिवार के लिए कोई खाना बनाता है तो वो चाहता है कि अपने परिवार को अच्छा पौष्टिक खाना खिला सके। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मुंह सिकोड़ने लगते हैं, नखरा करते हैं। कोई कहता है कि मुझे कुछ और खाना है, कोई खाने में नुक्स निकालता है, कमियां निकालता है, कहता है कि नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्च कम है, मिर्च ज़्यादा है, खाने में स्वाद नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में रोज रात 70 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं? 70 करोड़ लोग। ये ईश्वर की कृपा ही है कि आपकी मेज पर 3 वक्त का खाना है। दोस्तों, जब हम भोजन का अपमान करते हैं तो हम सिर्फ भोजन का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम हर उस इंसान का अपमान करते हैं जिसकी वजह से वो भोजन आपकी मेज पर आता है। उस किसान का अपमान जिसने वो सब्जी, मसाले, अनाज सब उगाया है। हर उस इंसान का अपमान जिसकी वजह से खाने की सामग्री खेतों से, फैक्ट्री से बाजार तक आई है। और हर उस इंसान का अपमान जिसकी वजह से वो सामग्री बाजार से आपके घर तक आई है। और आपकी माँ का या जो भी आपके घर में खाना बना रहे हैं उसका अपमान, जिसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से उस सामग्री से आपके लिए भोजन तैयार किया है। तो जब भी आप खाने को मना कर देते हैं या खाने में कमियां निकालते हैं तो आप भोजन का और उससे जुड़े हर इंसान का तिरस्कार, अपमान कर रहे हैं। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एक टाइम था कि जब भोजन खाने से पहले सब लोग अन्नदाता का धन्यवाद करते थे, पूजा करते थे। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी धर्म हो, सब खाना खाने से पहले ज़रूर अन्नदाता का धन्यवाद करते थे। और धीरे धीरे ये प्रथा अब कम ही होती जा रही है। दोस्तों, तो ऐसा क्या करें कि आपके परिवार में सब लोग भोजन मिलकर साथ में करें और भोजन का अपमान ना करें। हो सकता है कि जब वो आपको देखें कि आप भोजन से पहले अन्नदाता का धन्यवाद कर रहे हैं तो वो भी इस बात को समझें और भोजन का अपमान करना कम कर दें या छोड़ दें। तो क्या कहते हैं, शुरू करें प्रार्थना करना, अन्नदाता का धन्यवाद करना भोजन करने से पहले? दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि भोजन का अपमान ना हो और आपकी जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, वो भोजन को खुशी खुशी ग्रहण करे और सब लोग मेज पर इकट्ठे होकर प्यार से और खुशी से खाना खाएं। ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।